बस हम यही कहेंगे कि बचपन से लेके आज तक जो मुझे अपने श्रोता का दुलार प्यार आशीर्वाद मिलते आ रहा है, यही बस बरकरार रहे और भी आशीर्वाद बढ़ाइए ताकि मैं और दिल से मेहनत करूं और भी आगे बढ़ूं। जय माता दी। नगर भी आप दो लाइन क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये इनिशियल स्टेज की पिक्चरें थी और ये मूवी जो था वो हमारे संजोग में आया और पवन जी की ऐसी आवाज़ है कि हम लोग इस गाने को कितना भी सुने तो ऐसा लगता है कि आज ही सुन रहे हैं और आने वाली इनकी सारी पिक्चरें जो है वैसी है और सुरीली आवाज़ है और एक्टिंग में इनका तो लोहा अब कोई मनवा नहीं सकता ही। तो आशीर्वाद है आप लोगों को। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और ऐसे ही गाने देते जाएं और लोगों को पसंद आता है तो वो रिएक्ट करती है तो वो इससे अच्छा रिएक्शन और ये भगवान की देन बोले आप या ये उन्हीं की देन है बेसिकली, जो ये सबके बस का चीज़ नहीं है तो हम लोग सब साथ में मिलके ये सारी चीज़ें की है। ये गाना कितने महीनों में दो ये, ये 5 महीने में ये सारी चीज़ हुई है और ये आज तक के लिए अभी मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये एक रिकॉर्ड है कि इस ढंग से 2 करोड़ पहुंचना ये मामूली बात नहीं है। हम पुश कर सकते हैं, हम मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं बट अगर अंदर क्वालिटी है वही ऊपर आता है तो वो चीज़ एक उम्मीद जो है वो हम लोग को बड़ी लगी थी। कौन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम भी कुछ पूछ लें, ये हमारे डायरेक्टर हैं भोजपुरिया राजा फिल्म के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी बात तो है कि मेरे पास सब शब्द ही नहीं कहने के लिए क्योंकि जिस परिस्थिति में फिल्म बनी थी और भैया ने मुझे बुलाया और एक मतलब बुलाया कि भैया इसको बनाना है और उस परिस्थिति में जो फिल्म बनी और गाने बने तो सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस गाने को उन्होंने पसंद किया इतने कम टाइम के लिए और भैया हमारे लिए जो मुझे एक जो चांस दिया लाइफ में मतलब बिल्कुल जो है वो बार बार नहीं मिलता है। मैं सबसे पहले पवन भैया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। इस गाने को लिखा किसने था और कोरियोग्राफ किसका था? ये गाने को लिखा था आज़ाद सिंह जी और कोरियोग्राफी का था रामदेवन जी ने और DOP हमारे बगल में खड़े देवन तिवारी जी जिन्होंने पूरा मेहनत से इसका पिक्चराइजेशन किया और म्यूजिक बनाया हमारे मधुकर आनंद जी ने जी। तो फिल्म को खूबसूरत दिखाने वाले हमारे देवेंद्र तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप कितना खूबसूरत हैं, आप कितना खूबसूरत से बधाई दे दीजिएगा। हम लोगों ने खुद ही देख लिया ऐसी जो बनी थी फिल्म में वो तो आपको सामने है। आपने कभी सोचा था कि इतना जल्दी इतना हिट करेगा? नहीं, गाना तो सुन करके पहले लग रहा था लेकिन इतना नहीं सोचे थे। इतना झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कहा था कि नहीं। हम लोग जब गाना शूट कर रहे थे ना, जब शुरू करें रात भर हम लोग इस गाने को शूट किए और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई प्लानिंग पहले से नहीं था और सबसे बड़ा श्रेय मेरे बड़े भैया के साले साहब हैं, कहाँ हैं विष्णु जी कहाँ हैं विष्णु जी? नहीं, सबसे बड़ा श्रेय है आपकी मीठी आवाज़ जो पसंद आई है बहुत। आवाज़ सरस्वती माँ आपके गले में नेक्स्ट धमाका आपका क्या होगा तक पहुँची है, ये आपको माने भगवान का आशीर्वाद है और भगवान करे लोगों का आशीर्वाद है। बस माने ये आवाज़ दिल तक पहुँची, 2 करोड़ लोग अगर ये गाना सुनते हैं यूट्यूब पर भोजपुरी का, क्योंकि भोजपुरी पर माने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे भोजपुरी जनता आती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने एक यूट्यूब को बहुत पॉपुलर किया। सही है, सही है। नेक्स्ट धमाका